मोबाइल में आप लोग देख सकते हो प्रिज्म ब्लैक कलर का होने वाला ही है। ग्रेट डी माइनस का स्टैंड लाइट 512 GB 5,959 रुपये का। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेट हो चुका है, अभी चला के देख लेते हैं चलता है फिर नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो फेस लॉक लग चुका है, अभी कोई भी इशू नहीं आया फेस लॉक लगाने में। अभी इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक ऑर्डर की, जो कि मैंने ऑर्डर किया था कैशिफाई सुपर सेल से। और इसमें होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट 8 GB 512 GB ग्रेट डी माइनस का होने वाला ही है। और इसकी प्राइस होने वाली है 5,959 रुपये। और ग्रेट डी माइनस में दो फंक्शनल डिफेक्ट का रिस्क होता है और डिस्प्ले का रिस्क होता है, बाकी यही रिस्क होता है। और आप लोगों को भी मुझसे ऑर्डर कराना है, जल्दी जल्दी से मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और मैं आप लोगों के लिए भी ऑर्डर कर दूंगा कैशिफाई सुपर सेल से। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने लगा था आप लोग मेरा ऐसी डील्स के लिए और डेली अपडेट्स के लिए। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसकी कंडीशन कैसी होने वाली है। तो गाइस, फोन दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बिल दिखा देता हूँ। बिल में आप लोग देख सकते हो प्रिज्म ब्लैक कलर का होने वाला ही है। ग्रेट डी माइनस का स्टैंड लाइट 512 GB 5,959 रुपये का। अभी बिल को साइड में रख देते हैं और फोन को देख लेते हैं किस कंडीशन में होने वाला है। और ये बबल रैप में से इसको रैप में से निकाल लेते हैं और जल्दी से इसको देखते हैं। कलर तो इसका प्रिज्म ब्लैक ही होने वाला है, प्रिज्म ब्लैक कलर में। अभी देखते हैं इसकी कंडीशन। तो अभी इसको निकाल लेते हैं जल्दी से। और कंडीशन आप लोग देख सकते हो, कंडीशन तो मतलब सही है, अब तक तो सही लग रही है। और थोड़े बहुत मुझे इसके बैक पे निशान दिख रहे हैं, मतलब स्क्रैचेस दिख रहे हैं, हैवी स्क्रैचेस। तो गाइज आप लोगों को मैं एक बार क्लोज करके एक बार दिखा देता हूँ इसके स्क्रैचेस कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक बार साइड में थोड़े से घिसा हुआ सा निशान है और नीचे ऐसा लग रहा है कि घिस दिया है किसी ने फोन को। और कैमरा के साइड में आप लोग देखोगे तो कैमरा के साइड में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी धूल है। और बाकी कंडीशन तो मतलब प्राइस के ग्रेड डी माइनस के हिसाब से सही है, क्योंकि ग्रेड डी माइनस है तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया कंडीशन लग रही है मुझे। और नीचे आप लोग देख सकते हो चार्जिंग पोर्ट के साइड में एक बहुत ही बड़ा डेंट है, मतलब चार्जिंग का जो पोर्ट है वहाँ पे डेंट है। और यहाँ पे वॉल्यूम बटन की साइड भी सही है, ऊपर की साइड भी, और इस साइड भी सही है, सिम ट्रे की साइड भी सही है, आगे से भी आप लोग देख सकते हो आगे से भी सही है। बस ये मेरे थोड़े बहुत हाथ के निशान लग गए हैं, बाकी स्क्रैचेस व्रैचेस तो कुछ नहीं है। और ये सील और बारकोड मैं भी इसलिए नहीं उतारूंगा क्योंकि 48 आवर्स की रिटर्न पॉलिसी होती है, इसलिए मैं अभी तक सील और बारकोड उतारूंगा नहीं। अभी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ जल्दी से और आप लोगों को दिखाता हूँ किसी कंडीशन मतलब ऑन करके कैसी होगी। और अभी फ़ोन ऑन हो चुका है तो मैं आप लोगों को एक बार डिस्प्ले की कंडीशन दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में मुझे मतलब कोई मतलब स्पॉट या लाइन तो नहीं दिख रही, लेकिन शेड दिख रहा है, एक पिंक कलर का शेड दिख रहा है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को भी दिखेगा। अभी मैं वाइट कलर में आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो अभी आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा कि एक शेड है डिस्प्ले में, मतलब कोई लाइन या कोई स्पॉट तो नहीं है, बस एक शेड है डिस्प्ले में, बाकी तो कोई स्पॉट वॉट तो मुझे दिख नहीं रहा है। बस ये इससे इतनी दिक्कत नहीं है। और कैमरा आप लोग देख सकते हो, कैमरा में आप लोगों को एक फ़ोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ कि कैसा आएगा फ़ोटो। अभी एक फ़ोटो क्लिक कर लिया है, अभी देख लेते हैं। फ़ोटो तो एकदम क्लियर आया है, कोई भी इशू नहीं है और कोई भी मतलब ब्लर का इशू नहीं है, कोई भी मतलब इसमें फ़ोटो में स्पॉट नहीं है। अभी फ्रंट कैमरा से भी एक फ़ोटो ले लेते हैं। फ्रंट कैमरा भी ओके ही है, मतलब थोड़ा बहुत मुझे उसमें डस्ट दिख रहा है, लेकिन ओके इतना चलता है। अभी मैं इससे एक वीडियो बना लेता हूँ और वीडियो देखते हैं इससे वीडियो बनती है या अभी नहीं बनती। तो वीडियो तो प्रॉपरली अभी बन गया है, एक बार इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं एक बार। तो वीडियो सेव हो चुकी है अपनी, वीडियो देख सकते हो आप लोग, वीडियो को कोई भी इशू नहीं है, वीडियो पूरी प्रॉपरली चल रही है। फोटो इसका फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों चल रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। और बैक से भी आप लोग देख सकते हो। और अभी सेटिंग में चले जाते हैं, अबाउट में जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हो आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट IMEI सब लिखा ही है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को स्टोरेज दिखाता हूँ आप लोगों को इसकी 512 GB, मतलब इस प्राइस में 512 GB कहीं भी मिलेगा नहीं, 8 GB 512 GB का वेरिएंट होने वाला ही है। बस मुझे अब तक इसमें एक ही इशू मिला है, जो कि बाद में भी मैं और भी इशू चेक करूंगा इसमें। और स्पीकर भी आप लोगों को चेक करा देता हूँ मैं, स्पीकर भी इसका चल रहा है अच्छे से, कोई भी इशू नहीं है। बस इसमें डिस्प्ले में एक शेड ही है जो कि इसका एक ही इशू है मिला है मुझे अब तक,
वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन दोनों चल रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। पावर बटन तो चल ही रहा है जिससे ऑन किया है फ़ोन को। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस आप लोग देख सकते हो, डिस्प्ले की ब्राइटनेस में कोई भी इशू नहीं है। और मैं अभी आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट लगा के दिखाता हूँ जल्दी से कि इसमें फिंगरप्रिंट वर्क करता है या फिर नहीं करता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेट हो चुका है, अभी चला के देख लेते हैं चलता है फिर नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो फिंगरप्रिंट चल चुका है, कोई भी इशू नहीं है। अभी दोबारा से भी एक बार चला के देख लेते हैं, तो देख सकते हो आप लोग दोबारा से भी चल चुका है, कोई भी इशू नहीं है। मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि डिस्प्ले ओरिजिनल है और फिंगरप्रिंट में कोई इशू नहीं है। अभी सिम मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को कि इसमें सिम चलता है या फिर नहीं चलता है। तो सिम मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, अभी एक बार कॉल लगा के देख लेते हैं 198 पे कि इसमें कॉल लगती है फिर नहीं। तो कॉल कॉल जा चुकी है, कॉल लग भी चुकी है। और अब स्पीकर पे देख सकते हो आप लोग, स्पीकर पे आवाज़ भी आ रही है। एयर रिसीवर मैं इसका चेक कर लेता हूँ एक बार, एयर रिसीवर भी इसका प्रॉपरली वर्किंग है, मैंने चेक कर लिया है। और अभी दूसरे सिम स्लॉट में एक बार सिम लगा के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि दूसरे सिम स्लॉट में सिम वर्किंग है या फिर नहीं। दूसरे सिम स्लॉट में सिम इंसर्ट मैंने कर दिया, लेकिन जब मैं सिम लगा रहा था तो मुझसे सिम ट्रे टूट जाती, क्योंकि जो सिम ट्रे होती है वो होती है इसकी प्लास्टिक की, तो उसको थोड़ा संभाल के लगाना पड़ता है। और अभी दूसरे सिम स्लॉट से भी आप लोग देख सकते हो, मतलब दूसरे सिम मैंने जो लगाया था उससे कॉल लग चुकी है, कोई भी इशू नहीं है। दोनों सिम में प्रॉपरली कॉल जा रही है, बस जो सिम ट्रे थी वो टूटते टूटते बच गई, क्योंकि प्लास्टिक की होती है इसलिए। और अभी फ्लैश लाइट भी आप लोग देख सकते हो, फ्लैश लाइट भी प्रॉपरली वर्किंग है, कोई भी इशू नहीं है। ब्लूटूथ वाईफाई तो इसका पहले से ही ऑन था, क्योंकि कैशिफाई सुपर सेल वाले ऑन करके भेजते हैं क्योंकि चेक करते हैं वो। तो गाइज मैंने आप लोगों को इसका फिंगरप्रिंट तो चेक करा दिया, लेकिन मैं आप लोगों को इसका फेस लॉक भी चेक करा देता हूँ कि इसका फेस लॉक वर्किंग है या फिर फेस लॉक में कोई इशू है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो फेस लॉक लग चुका है, अभी कोई भी इशू नहीं आया फेस लॉक लगाने में। अभी इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो फेस लॉक चल चुका है, कोई भी इशू नहीं है। दोबारा से भी चल चुका है, तीसरी बार भी चल चुका है, और एक बार और चला के दिखाता हूँ आप लोगों को, कोई भी इशू नहीं आ रहा चलाने में। मतलब फेस लॉक और फिंगरप्रिंट दोनों वर्किंग है, और मुझे बस इसमें डिस्प्ले का इशू मिला। डिस्प्ले का भी इशू नहीं कहेंगे उसको, थोड़ा बहुत शेड का इशू है, बाकी कंडीशन सही है। आप लोगों को भी ऑर्डर कराना है जल्दी जल्दी से मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, और मैं आप लोगों के लिए भी ऑर्डर कर दूंगा कैचिफाई सुपर सेल से। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करने लगा था आप लोग मेरा, ऐसे ऐसे डील्स के लिए और डेली अपडेट्स के लिए। तो यही थी कुछ गाइस आज की अनबॉक्सिंग वीडियो, मिलते हैं गाइस किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।